के बाद आखिरकार नौसेना को स्कॉर्पियन सीरीज की पहली पनडुब्बी कलवरी हासिल हो गई है। अब हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को भारत की पनडुब्बी कलवरी न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देगी बल्कि ड्रैगन के नापाक इरादों को भी नेस्तनाबूद कर देगी। नौसेना में मौजूद पनडुब्बियां पुरानी पड़ रही थी और ऐसे में आधुनिक फीचर से लैस कलवरी के मिल जाने से भारतीय नौसेना की ताकत और भी चार गुना हो गई है। मेक इन इंडिया के तहत बनी ये पनडुब्बी दुश्मनों के नजरों से बचकर सटीक निशाना लगाने में तोड़ू। इतना ही नहीं, ये टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से भी हमला कर सकती है। यही वजह है कि कलवरी का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक टाइगर शार्क के नाम पर रखा गया है। इसकी ताकत पर जाएं तो कलवरी में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, शोर और ध्वनि को कम रखने के लिए सबमरीन में रेडिएट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है, तो वहीं हाइड्रोडायनामिकली ऑप्टिमाइज शेप दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और एरिया सर्विलांस जैसे कामों में कलवरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की टाइगर शार्क यानी कलवरी दुश्मनों पर अपने घातक हथियारों से हमला करने में बिल्कुल सक्षम है। तो कलवरी के मिल जाने के बाद अब देश में स्कॉर्पियो सीरीज की 6 और पनडुब्बियां बनाने का प्लान भी है। इस स्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।